नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर कैमूर जिले से है। कैमूर जिले के डीएम ने किसानों से यह अपील किया है कि रवि फसल कटाई के बाद खेत में बचे अवशेष को जलाए नहीं, बल्कि उसे पशुओं के लिए चारा और उर्वरक बनाने का काम करे, जिससे वातावरण सुरक्षित रहेगा। आप पराली जलाएंगे तो वातावरण दूषित होगा, जिससे कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावना बनेगी। वही डीएम ने बताया कि जिले के 50 किसान खेत में पराली जलाए थे, जिनका 3 साल तक रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया और 5 किसान पर प्राथमिक दर्ज किया गया, जो सरकार से किसी प्रकार की कृषि विभाग से मदद नहीं ले सकते हैं। सरकार के का जो अपील है और जो जिला प्रशासन की अपील है, उस पर उन्होंने अमल किया है। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे किसान हैं जो कि पराली जला रहे हैं। ऐसे किसानों के अगेंस्ट में 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन लॉक किया गया है, जिन्हें भारत सरकार एवं बिहार सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता 3 साल तक उनको नहीं मिलेगा। दूसरा कि 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। हालांकि मैं अपने किसानों के विरुद्ध खुद प्राथमिकी दर्ज नहीं कराना चाहता हूँ, लेकिन उन किसानों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सभी मिलकर, पूरे जिलावासी मिलकर के हम लोग इस फसल अवशेष का प्रबंधन करें, ताकि अपने पर्यावरण को हम लोग बचा सकें। फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए है, रीपर है, कंबाइन हार्वेस्टर है, रोटावेटर है, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फसल अवशेष है उसका भूसा बना सकते हैं, उसको हम लोग ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। तो इन चीज़ों में उस फसल अवशेष का वो प्रयोग करें और हमारे इस पर्यावरण को बचाएं।